अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा बेटा साइंस का टॉपिक हम लोग जो चैप्टर नंबर 5 देख रहे थे और उसमें हमने लीव का टॉपिक जो है वो शुरू किया था, क्योंकि चैप्टर लीव से रिलेटेड है। आज हम उसको देखेंगे पार्ट्स ऑफ लीव, ये पार्ट्स ऑफ लीव क्या होते हैं। तो आप भी अपना ये सेम पेज ओपन कर लें। अच्छा जी, यहाँ से पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं जी। अ लीव इज जॉइंट टू द स्टेम बाई अ लीफ स्टाक। कल हमने बात की थी लीफ स्टाक क्या होता है, और मैंने आपको वैसे बताया नहीं था, आज आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये लीफ स्टाक क्या होता है, लीफ स्टाक क्या होता है। अब ये देखो मेरा बेटा, ये देखो, अगर आप ये देखो, इसको हम स्टेम कह रहे थे, ये स्टेम थी हमारी, ठीक है जी, पौधे की ये स्टेम थी। स्टेम और पत्ता जो आपस में अटैच हो रहा है तो उसको हम लीफ स्टाक कह रहे हैं। स्टेम के साथ जो छोटी सी शाख है उसको हम लीफ स्टाक कह रहे हैं, और ये पत्ते को जो है उसने कनेक्ट किया हुआ है। A leaf blade is the flat green part of the leaf. A blade, leaf blade क्या है? अगर आप ये देखो, यहाँ पर इसको हाईलाइट किया गया, leaf blade, ये बेटा, ये उसका जो एड है, ये एज। The midrib and veins carry water and food. आप देखो midrib क्या है, ये देखो, ये एक midrib इसको कहा जाता है, ये देखो, ये सारी की सारी ये midrib है। और veins, ये इसके ऊपर ये छोटी छोटी आपको veins नजर आ रही है, जिसके साथ ये पानी और फूड जो है वो कैरी करता है, इसको हम मिडरिप कहते हैं और वेन्स कहते हैं, ठीक है। आपकी एक्टिविटी आज की ये है कि आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट जो है ना वो लीव्स कलेक्ट करने हैं, और उसमें लीव स्टैक को आइडेंटिफाई करना है, और उसके साथ साथ आपने मिडरिप को आइडेंटिफाई करना है, वेन्स क्या होती हैं इसको आइडेंटिफाई करना है, और उसको अपनी कॉपी पर पेस्ट करना है। कोई एक आपने एक बड़ा सा पत्ता जो है ना वो आइडेंटिफाई कर लो, और उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने ऐड करके और अपनी कॉपी पे पेस्ट करना है, ताकि आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।